मैं मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, जो तुमने ये एग्जैक्ट देखा, ये जो हिला, ये जो कैंडल में हुआ, ये एब्सोल्युटली रियल था। ये जो तुम पार्ट देख रहे हो, ये असली था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। सो तुम में से बहुत सारे लोग AI के बारे में ऑलरेडी सुन चुके होंगे। अभी अभी परफेक्ट आवाज आएगी। AI, तो आजकल YouTube पे बहुत सारी वीडियोस डल रही हैं अबाउट AI एंड फॉर सम रीजन हर किसी का थंबनेल सेम क्यों है। AI आजकल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, AI से तुम किसी भी इंसान को मोटा और पतला बना सकते हो। ये जो तुम इमेजेस देख रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने, yes, bot! ये सारी इमेजेस AI ने बनाई है। इससे मेरे को याद आया एक बहुत पॉपुलर AI के बारे में, ChatGPT। So ChatGPT एक AI है जिसपे अगर तुम जाओगे, वहां पे अगर तुम डालते हो हेलो एंड वो उधर से रिप्लाई करेगी हेलो। इफ तुम्हारे लाइफ में कोई सी भी लड़की नहीं है तो तुम एक्चुअली में ChatGPT से फ्लर्टिंग कर सकते हो। या एक्चुअली में फ्लर्टिंग। सो एक्चुअली मैं नॉर्मली बैठा हुआ था एंड मेरे मन में एक आइडिया आया कि एक्चुअली मैं AI से पूछूं कि मेरे को रात के 3 बजे कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो मैंने जस्ट अभी ChatGPT खोला है। सो हियर इज द न्यू टैब एंड यहाँ पर मैं पूछने वाला हूँ व्हाट आर द स्केरियस्ट थिंग्स जो कि मेरे को रात के 3 बजे नहीं करनी चाहिए। थिंग्स आई शुड नेवर डू एट 3 AM। ओके, आई जस्ट गॉट द आंसर्स एंड सबसे पहला है यू शुड नेवर कॉल हॉन्टेड नंबर्स एट 3 AM। ओके, डोंट प्ले कर्स्ड हॉन्टेड वीडियो गेम्स एट नाइट, ब्लडी मैरी चैलेंज एंड लास्ट वन इज डोंट गो टू डार्क वेब। आई मीन ये काफी अच्छे साउंड कर रहे हैं, लाइक ब्लडी मैरी चैलेंज, डार्क वेब, कॉलिंग हॉन्टेड नंबर्स, बट देयर इज नो फ्रीकिंग वे कि ये मैं करने वाला हूँ। और एम आई जैसे कि तुम लोगों ने देखा, हमारा सबसे पहला चीज है कॉलिंग हॉन्टेड नंबर्स। वेल, ये चीज मैंने बहुत टाइम पहले करी थी अपने चैनल पे, बट अभी ये चीज मेरे को रात के 3 बजे करनी है। तो मैं एक्चुअली बाहर गया एक पार्क के अंदर, रात के 3 बज रहे थे। आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया कि मैं पार्क के अंदर हॉन्टेड नंबर्स को कॉल करूंगा, वो भी 3 बजे। बट जैसे ही मैं उस पार्क के अंदर घुसा ना, वहां पे एक बूढ़े अंकल सो रहे थे। वो एक्चुअली थोड़ा सा क्रीपी था, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा एंड देन वहां पर मेरे को एक कुत्ता दिखा जो कि मेरे तरफ देखे जा रहा था। I don't get it, ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। तो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा डरा जाता हूँ एंड मैं वो पार्क से वापिस आ गया, बिकॉज आई मीन ये दोनों चीजें बहुत क्रीपी है। आई थिंक मुझे और भी वीडियोस बनानी है। तो मैं गया अपनी छत पर। तो अब आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया कि मैं अपनी छत पर जाऊं एंड छत पे जाकर ये हॉन्टेड नंबर्स को कॉल करूं। ओके, सो मैं हूं छत पे अपनी। एक्चुअली हम इससे पहले अभी एक पार्क में गए थे एंड जैसे हम वहां पे गए तो वहां पे एक अंकल बैठे थे एंड हम थोड़ा सा डरा गए, तो हम वहां पे वापस आ गए क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया कि वो रात के 3 बजे वहां पे क्या कर रहे थे। तो अभी हम अपने घर की छत पर है एंड यहाँ से हम ये नंबर्स पे कॉल करेंगे। तो एक्चुअली मैंने गूगल पे भी सर्च किया था लाइक स्कैरी नंबर्स व्हिच आई शुड नेवर कॉल एंड वहाँ पर ये मेरे को वेबसाइट मिला 7 scary phone numbers यू शुड नेवर कॉल एंड आज हम वही करेंगे। तो सबसे पहला नंबर है जिसका नाम है रेड नंबर एंड इसका मतलब है बैड लक। हैव यू हर्ड ऑफ इनिग्मेटिक रेड नंबर? It's an old urban legend that if you dial it, you'll hear a voice on the other end warning you to hang up. Okay, so according to this number, अगर मैं ये नंबर को कॉल करूंगा तो कोई उठाएगा एंड वहां से मुझे आवाज आएगी कि ये कॉल मैं कट कर दूं। एंड द नंबर इज 666-666-666-666-666. Okay, looks fun. तो अभी हम इस नंबर को ट्राई करेंगे। Let's go call. Who? एक्चुअली मैंने जैसे ही कॉल किया कॉल एंड हो गया। ओके, एक आई एम ट्राइंग टू कॉल लेकिन जैसे ही मैं कॉल कर रहा हूँ कट हो रहा है अपने आप। आई थॉट वो लड़की मेरे को बोलेगी, आई थॉट कि जो आवाज आएगी ना मेरे को हैंग अप करने के लिए तब हैंग अप होगा कॉल। ये तो कॉल पहले ही कट जा रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, इस नंबर को थोड़ा सा एडिट करते हैं। हाउ टू एडिट अ नंबर, इसमें 0 लगा देते हैं आगे, 0। अभी कॉल करते हैं एंड इसमें एक वीडियो का भी ऑप्शन आ रहा है, आई थिंक अभी लग सकता है।
तो फर्स्ट नंबर से कुछ हुआ नहीं, मैं कॉल कर रहा था लेकिन कॉल अपने आप एंड हो रहा था, तो मैं गया सेकेंड नंबर की तरफ। मूविंग टू द सेकेंड नंबर एंड इस नंबर का नाम है 10 मिलियन एंड इसमें लिखा है कि अगर मैं ये नंबर को कॉल करूंगा तो कोई औरत मेरे को आंसर करेगी। थैंक गॉड, वैसे भी भाई आजकल कोई लड़की मेरे को आंसर नहीं करती। द फोन नंबर 10 मिलियन हैज एन अर्बन लेजेंड बिहाइंड इट। इट इज सेड दैट इफ यू डायल दिस नंबर अ वुमेन्स वॉइस विल आंसर। अ वुमेन्स वॉइस, शी विल ऑफर यू 3 wishes व्हाट इन एक्सचेंज She'll take your soul. Okay, this seems interesting. तो इस नंबर पे अगर मैं कॉल करूंगा तो एक औरत फोन उठाएगी एंड वो मेरे को 3 wishes देगी जो मैं ले सकता हूँ, बट उसको एक्सचेंज में मेरी आत्मा चाहिए होगी। Looks like a fair deal if she sleeps with me. Okay, leave. Okay, ये नंबर के मुझे जीरोस काउंट नहीं हो रहे हैं तो मैंने सीधा इसको कॉपी किया है एंड अभी मैं इसको कॉल करूंगा। आई थॉट ये थोड़ा सा स्कैरी होगा, यहाँ पे तो एक भी नंबर नहीं लग रहा। मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। इन रियल लाइफ भी नॉर्मल लड़कियां मेरे से बात नहीं करती है, एक अर्बन लेजेंड, एक भूतनी मेरे से क्या ही बात करेगी। एक्सपेक्टेड था, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, वी आर मूविंग टू अनदर नंबर एंड ये यहाँ का लास्ट नंबर है। इफ ये नंबर काम नहीं किया तो मैं नेक्स्ट टास्क की तरफ जाऊंगा। मैं रात में ये चीजें नहीं कर सकता भाई। सो दिस नंबर इज 999 एंड इसका मतलब है मिथ। एक तो मेरी आंख में ये फ्लैश लाइट इतनी पड़ रही है ना कि मुझे स्क्रीन ही दिखाई नहीं दे रही है, मेरे को ऐसे देखना पड़ रहा है एक्चुअली में। हैव यू हर्ड ऑफ 999 नंबर? दिस इज अ नंबर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द हॉरर जॉनरा एंड टिपिकली रिजर्व्ड फॉर पर्टिकुलर सिनिस्टर सिचुएशंस। इट इज सेड टू बी कनेक्टेड टू अ सुपरनैचुरल फोर्स और अ कर्स्ड लाइन दैट ब्रिंग्स डिजास्टर अपॉन एनीवन हु कॉल इट। इफ ये नंबर काम किया तो आई स्वेयर टू गॉड मैं अपनी एक्स के मोबाइल में जाकर ना यही नंबर डायल कराऊंगा। 999। ओके, तीन ही बार नौ है। 9 9 9। वेट, बिफोर डायलिंग दिस नंबर, मेरे साथ डेस्क है, ठीक है, मैं डेस्क से पूछता हूँ। तो मेरे साथ डेस्क है जो अभी ये कैमरा पकड़े हुए था। हेलो डेस्क। यस, ये तो मैं एक्चुअली इसको इसलिए लेके आया था क्योंकि मेरे को लगा अगर मेरे को कुछ यहाँ पे हुआ ना तो एटलीस्ट इसके पास रिकॉर्डिंग होगी एंड ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो सकती है एंड देन मैं ग्रेटेस्ट यूट्यूबर ऑफ ऑल टाइम बन सकता हूँ, इसका चैनल मेरा हो जाएगा। तो मैं ये नंबर डायल कर रहा हूँ अभी। ओके, ओके, सो ये नंबर एक्चुअली सीधा कॉल एंड नहीं हुआ, ये डायल हुआ बट इसमें ये लिखा आ रहा है कि ये नंबर गलत है। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। ब्रो, वी जस्ट वेस्टेड लाइक 20-30 मिनट जस्ट ये नंबर्स डायल करने में एंड एक सिंगल भी नंबर काम नहीं कर रहा है। बट इसके बाद मेरा फ्रेंड ये कहता है, चल अब अपने एक्स को कॉल कर दे। शुड आई कॉल माय एक्स? Yes. वो किसी भूतनी से कम नहीं है। आई मीन इट्स अ गुड आइडिया। मेरे फ्रेंड ने बोला कि मुझे अपनी एक्स को कॉल करके देखना चाहिए कि वो क्या पिक करती है कि नहीं, एंड वो भी किसी चुड़ैल से कम नहीं है, तो वो भी एक कर्स्ड हॉन्टेड नंबर ही हो गया। आई मीन आई डोंट थिंक सो मेरे को ये करना चाहिए। आई मीन कोई भी नहीं करेगा। ओ ओके, जा रहे। उसने हैंग अप कर दिया ब्रो, व्हाट द। सो या, सो ये सब के बाद मैं काफी निराश हो जाता हूँ एंड तभी मेरा दोस्त ये बोलता है, मेरे को एक्चुअली पॉक्यूपाइन जैसा फील हो रहा है, वो सच्ची में लाल हो रहा है। किधर, व्हाट द फ्रीक। बट तू तो उधर रखे ही नहीं था ना कुछ। मैं रिकॉर्ड करा तेरे को उस पार से, तो क्या पता ये दूसरे पर्सन के साथ होती है चीजें, तो मेरे को सो एक्चुअली अभी हम नीचे जा रहे थे ना, तो इसको ना ऐसा लग रहा है कि कोई ने ना इसके हाथ पे कुछ तो स्क्रैच वगैरह किया है एंड इसको कुछ तो अजीब सा लग रहा है। तो ये मेरे से पूछा आके अभी कि रचित तेरे को कुछ लग रहा है कि तेरे हाथ में, एंड आई वाज लाइक ना कुछ नहीं, तो वो ना मेरे अजीब हो रहा है यहाँ पे पूरे हाथ में, लाइक लाल हो गया है रे तेरा, कुछ तो हुआ है यहाँ पर। सी आई डोंट नो ये कैसे हुआ, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इसी लौंडे ने अभी मेरी एक्स को कॉल करवाया था। सही नहीं रखी जा रही है। कम दिस साइड। हम इसके बाद जाते हैं
बिल्डिंग से नीचे। एंड तभी एक और चीज होती है, हमारी लिफ्ट काम नहीं कर रही, हम लिफ्ट पे प्रेस कर रहे हैं लेकिन लिफ्ट आ ही नहीं रही है, हमें लिटरली 10 मिनट वेट करना पड़ता है उस लिफ्ट के आने का, एंड देन लिफ्ट आती है। तू भी एनएस भाई 10 मिनट को ज्यादा हो गए, मेरे को सीढ़ियां ले लेनी चाहिए थी। विद दैट बीइंग सेड, इट्स टाइम फॉर आवर सेकंड डेयर। तो सेकंड डेयर के अंदर मेरे को एक हॉन्टेड गेम खेलना था, वो भी रात के अंदर। तो यार मैंने डाउनलोड किया एक मारियो का कर्स्ट गेम, जो कि खेलने के लिए अलाउड नहीं होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको फाइंड किया एंड देन मैंने इस गेम को स्टार्ट किया। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अ हॉरर गेम। तो ये एक बहुत कर्स्ट सा मारियो का हॉरर गेम है एंड इट इज सपोज कि हमें इस गेम को खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गेम को एक्चुअली फाइंड करना सबसे ज्यादा हार्ड है। एंड अभी जब मैं इस गेम को ओपन कर रहा था ना, तो ये कंप्यूटर ओपन नहीं होने दे रहा था इस फाइल को। तो इसमें सबसे पहले ही वार्निंग मिल रही है, वार्निंग, दिस गेम इज नॉट व्हाट इट सीम्स, दिस इज नॉट एन एक्चुअल पोर्ट ऑफ SMB1। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी अवेयर दैट यू मस्ट प्ले दिस गेम थ्रो इन वन सिटिंग, टर्न ऑफ योर लाइट्स, वियर हेडफोन्स एंड स्टे इन विडोड मोड फॉर द बैक। नाउ लेट अस बिगिन। ओके, हमारे लाइट्स बंद है, गेट बंद है, सब कुछ बंद है, बस गेट ओपन है। भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, गेम ही आगे नहीं बढ़ रहा, मैं जेड दबा रहा हूँ, वो तीन क्वेश्चन मार्क आ रहे, व्हाट द हेक। गुड नाइट, तेरा नाम उसको पता है? उसको नाम कैसे पता था मेरा? उसको नाम पता है भाई, इज इट गुड लक रचित रू, मैंने सुना था, वही लिखा था ना गुड लक, वो भी तेरे चैनल का नाम पता है। डूड दिस इज स्कैरी ब्रो, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, गेम स्टार्ट तो हो गया है, रचित रू तुम ही फंसोगे इसमें। ओके, लेट्स प्ले। कैसे स्टार्ट कैसे होगा जेड? ओके, मारियो रेड कलर का होता है ना, इजंट इट? हां, नहीं उसके कलर बदलते रहते हैं ना, हां क्या ऐसा बन जाता है। ओके, वैसे चलना, ओके चलना ऐसे ना, जंप किससे करेगा? जेड से। तो स्टार्टिंग में ये गेम काफी नॉर्मली चल रहा था, बट जैसे ही मैं आगे बढ़ता रहा ना, गेम में थोड़ी सी चीजें चेंज होने लगी। ऐसे ही तो मारना है। ये क्या हुआ? बट यहाँ पे वो चला गया, ये इससे पावर लेने वाला चला गया, इसको चल के पावर ली जाती है मारियो में। इसके नीचे जा सकता क्या मैं? क्योंकि नहीं जा पा रहा। इसमें जा सकता नहीं। ओके, मार दिया, साउंड इफेक्ट दे रहे तू। ओके, मार दिया। लूकस है ब्रो ये नाइट में शिफ्ट हो गया। वो मारियो था, तूने देखा नहीं, वो स्कैरी वर्जन था कुछ तो मारियो का। ये क्रीपी होता चला जा रहा है, पहली बार तो मारियो में नाइट मोड होता ही नहीं है। होता है, होता है। नहीं होता है मारियो में नाइट मोड। अबे ये मैग्नीफाइंग क्यों दिख रहा है मेरे को, ऐसा दिख रहा ना अजीब सा। यस, एक तो ऐसे देखना पड़ रहा है सब कुछ। ओके, आगे सारे मॉब्स किधर गए, जो इधर लोग होते हैं ना वो सारे किधर गए, कोई है ही नहीं आसपास में। मजा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा। इनोसेंस डजंट गेट यू फार। ओ ओ ओ ओ किधर? ओ वो क्यों है, वो क्यों क्यों को आ, दैट वाज लिल कस्ट एंड टेरिफाइंग। क्यूट को काट दिया ब्रो। रन किधर रन? अबे दीवार तोड़ के खा लिया तेरे को भाई, उसने मेरे को मौका ही नहीं दिया रन करने का। ओ डूड, ये जस्ट क्या हुआ? I mean जस्ट क्या हुआ, ये कैसा गेम था? वेल देखो, मैं एक गेमर हूँ एंड मैं एक बार ही मैं हार नहीं मान सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ सेकेंड ट्राई के लिए। अब दोबारा क्यों मरेगी क्या? अभी भाग ही नहीं सकते। ओके, भाग रचित, भाग मारियो, भाग लूकस। अच्छा ये लूकस है, ये मारियो नहीं है, ये लूकस है। भाग 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 जंप इन भाग। भाई मेरे को पकड़ ले रहे, हाउ कैन आई? भाई तू भाग ही नहीं सकता है, उसकी स्पीड ऐसी है, वो 2 सेकंड में आ रहा है। एंड यार सेकंड ट्राई में भी कुछ नहीं होता, तो मैं जाता हूँ तीसरी ट्राई के लिए। एक्चुअली हम जिसको मारियो समझ रहे थे वो मारियो नहीं था, वो लूकस था। ओके, उसका भाई। हाँ, एंड मारियो ये क्रीपी बन गया है। ये वर्ल्ड देखा है तुमने, कैसे लिख के आ रहा? वही पूरा सब कुछ अजीब आ रहा है। कूद 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 कूद, मैं नहीं कर पा रहा कुछ भी। भाई अब तो वो ऊपर था, टच भी नहीं किया, कैसे मार दिया। और ऐसे ही मैंने और भी ट्राई करे, लेकिन मैं इस गेम को पार नहीं कर पा रहा था। सो विद दैट बीइंग सेड, इट्स टाइम फॉर आवर थर्ड एरिया। थर्ड यार, मुझे खुजली मचने लगी है यार बालों में। एंड द थर्ड एयर इज ब्लडी मैरी चैलेंज। वाह,
इसको मेरे को दोबारा सही करना पड़ेगा। सो ब्लडी मैरी एक तरीके की स्पिरिट एंड गोस्ट है, ये रहा उसका पूरा डिटेल्स। एंड जितना मैंने पढ़ा शी इज वेरी क्रीपी भाई, वो बच्चों को खा जाती थी। सो इस चैलेंज के अंदर हम एक कैंडल लेते हैं एंड तो इस चैलेंज में हमें एक कैंडल को जलाना है एंड एक मिरर के पास ले जाना है एंड देन वहां पे ना हमें ब्लडी मैरी का नाम चेंट करना है एंड अगर हम उसका नाम पुकारते हैं तो वो मेरे को मिरर में दिखेगी। तो दैट्स द ब्लडी मैरी चैलेंज। लाइक यूट्यूब पे इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस डली हैं एंड कुछ लोगों को बहुत तगड़े 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 व्यूज आए हैं एंड मैं इस चैलेंज को नॉर्मली ऐसे ही कर दे रहा हूँ, इससे बढ़िया मेरे को इसकी एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए थी। सो मैं इस चैलेंज को स्टार्ट करता हूँ काफी नॉर्मली। मैं कैंडल लेता हूँ, वॉशरूम में जाता हूँ, मेरे साथ मेरी वैन होती है, मैं कैंडल को जलाता हूँ एंड देन मैं इस चैलेंज को स्टार्ट करता हूँ। ओके बॉयज, तो अभी हम करने वाले हैं ब्लडी मैरी चैलेंज। जितना मेरे को पता है ये है मेरे पास कैंडल एंड इसको मुझे जलाना है एंड देन मुझे इस शीशे पे आके आकर कुछ तो बोलना है। Isn't it Manu? कच्चा हटा दो पहले। सॉरी। सबसे पहले okay, पहले तो मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, मैंने इस चीज के लिए हाँ भी नहीं करी थी। मनु ने कैंडल दिया, मेरे पास तो कैंडल थी ही नहीं। ओके इसको पकड़ ठीक है, देख तेरे हाथ में जल रही है। भाई कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इतनी जल्दी? उनको पता चल गया भाई, अचानक से कुत्ते भौंकने लगे, अभी नहीं भौंक रहा था कोई। ओके सो आरती प्रोसेस क्या है, क्या करना है? देखो तुझे ऐसे सामने खड़ा होना है। ओके दोनों हाथ से इसको पकड़। ओके और आग बंद करके बोलना ब्लडी मैरी आर यू हियर, फिर बोलेगा ब्लडी मैरी आर यू, ऐसे तीन बार बोलियो एंड देन देखो शीशे में देखना है एंड शीशे में वो दिखेगी मेरे को। शीशे में देख के ही बोल पहले तो तीन बार। okay. फिर आँख बंद, हाँ फिर आँख बंद करके बोलियो। ओके सो ब्लडी मैरी आर यू हियर। ओ व्हाट द, तू मजा मम्मी का, तेरे को लगता है मेरे मुंह से क्या? मुझे नहीं पता बट तुझे ये दिखा, ये हिला, मैंने देखा ये जो तुमने अभी देखा जहाँ पर ये कैंडल थोड़ी सी हिली थी, ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, मैंने इसमें कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं किया था, ये एक्चुअली में ऐसा हुआ था, किसी ने फूंक भी नहीं मारी, किसी का हाथ भी नहीं लगा, आई डोंट नो ये कैसे हो गया एंड मैं थोड़ा सा डरा गया था बट फिर भी मैंने ये चैलेंज को कंटिन्यू रखा। ब्लडी मैरी आर यू हियर, कितने बार बोलना है? ठीक है सॉरी। ब्लडी मैरी आर यू हियर, डोंट लाफ लाइक दैट, ऐसे मत हंस। ब्लडी मैरी आर यू हियर, ब्लडी मैरी आर यू हियर, ब्लडी मैरी डू यू वांट टू मैरी मी? रो ये क्वेश्चन नहीं पूछना होता है। तुझे पता है ब्लडी मैरी का नाम ब्लडी मैरी क्यों पड़ा था? क्यों भाई तू फंसेगा क्या? मुझे स्टोरी ही नहीं बताया था अभी तक। लड़कियों छोटी 14 साल की लड़कियों से खून से नहाती थी, ठीक है, उसको मरवाया गया था बिकॉज वो बहुत क्रूअल हो गई थी। उसके नाम में मैरी था लेकिन, क्योंकि वो एलिजाबेथ जो है ना स्टोरी पूरी, उनकी ना एक बड़ी बहन थी पर वो थी नाजायज, ठीक है, तो उसको वो पूरा राज घराना नहीं मिला था, उस वजह से उसने मम्मा पापा को भी मरवा दिया था, ठीक है, फिर उसने लड़कियों के सुंदरता की वजह से लड़कियों के खून से नहाने लगी थी एंड लास्ट में आएगी उसका कुछ बच्चा वगैरह का इश्यू था जिससे वो मरी थी, तभी लोग ब्लडी मैरी को ऐसे बुलाते हैं बिकॉज ब्लडी मैरी मतलब कि तू उनको बुलाएगा तो वो जरूर आएगी फिर तुझे भी नाश कर देगी, ऐसा है, और रात को वो जरूर आ सकती है अगर तूने उसको इतने प्यार से बुलाया तो। तो एक्चुअली इस जगह पर ना मैं मनु को डराने की कोशिश करता हूँ ऐसा फेस बनाकर। अबे सर पे रॉड मार देंगे हम तो, देख सर पे रॉड मार देंगे हम। अभी शैम्पू का बोतल मार सकते कर रहे हैं। इस ट्राई में भी मेरे को कुछ नहीं दिखा तो मैंने एक और बार इसको ट्राई किया। ब्लडी मैरी आर यू हियर, कुछ नहीं होता है यार, और दो बार और बोलना था। लेट्स मूव, थैंक यू। तो ब्लडी मैरी चैलेंज में मेरे को कुछ भी अजीब नहीं लगा तो मैं बढ़ गया नेक्स्ट डेयर की तरफ।
I mean, देखो guys, so the next shell is going to dark web. I mean, AI ने मेरे को बोला है and मेरे को जाना नहीं चाहिए dark web पे एक तरीके से and मैंने इसको dare बना लिया है. Actually, मैंने जाने की try की. Yeah, just for a video, मैंने dark web पे जाने की try की, but वो work नहीं किया. मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था. तो इसके चक्कर में मैंने try करी कुछ हॉन्टेड वेबसाइट्स जो कि मेरे को रात में कभी ओपन नहीं करनी चाहिए. आई मीन ये वेबसाइट बहुत स्केरी थी. इनमें से एक वेबसाइट तो ऐसी थी जो कि तुम्हें बताती है कि तुम्हारी मौत कब होगी. आई मीन व्हाट, आई डोंट नो भाई, इंटरनेट पे बहुत अजीब अजीब सी वेबसाइट बन रही है यार. सो ये वेबसाइट के अंदर मेरे को एक आइलैंड पे फेंक दिया जाता है जो कि जापान का एक अवेंडेड आइलैंड है. एंड इस आइलैंड पे बहुत अजीब अजीब सी बिल्डिंग्स है टूटी फूटी एंड ये पूरा आइलैंड मैं घूम सकता हूँ. सो ये एक आइलैंड है जापान में, इसका नाम है हसीमा आइलैंड, ठीक है. इस आइलैंड पे ना काम चल रहा था, ये मेरे को पता है ये स्टोरी. एंड ये आइलैंड के ऊपर ना बहुत सारा काम चल गया था एंड देन ये आइलैंड को अपने आप रोक दिया गया था बनाने से. आई डोंट नो, किसी को रीजन नहीं पता, आई थिंक मुझे जानकारी नहीं है. ओके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हैं. स्टेयर वे टू हेल, व्हाट इज, ओह व्हाट द, ठीक है, नर्क में जाने की स्टेयर वे. यहाँ पे तो हम थे ही, रास्ता ही नहीं पता. तो तुझे आगे जाना है ना, तो आगे जाना है क्या? ओके एक्चुअली ये इन्होंने पूरा किया कैसे, ये पूरा का पूरा मैप इंटरनेट पे आया कैसे, लाइक एग्जैक्ट हम हर एक जगह देख सकते हैं यहाँ पर. ओके लेट्स सी ये स्टेयरवे हमें कहाँ तक ले जाएंगी. एक्चुअली ये जाती जा रही है भाई. ओ ऐसे क्यों लग रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर व्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया हो कुछ. ये क्या हालत है भाई ये बिल्डिंग्स की. ये एक्चुअली में दूर से बहुत हॉन्टेड लग रहा है. एक्चुअली हम भाई इस बिल्डिंग के अंदर तक जा सकते हैं मनु. I don't know, actually हम इस बिल्डिंग के अंदर हैं, ये देख, हम किधर भी जा सकते हो. Oh shit, ये पूरा आइलैंड बहुत ज्यादा मेरे लिए क्रीपी हो रहा था. तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जो कि और भी ज्यादा क्रीपी है. इस वेबसाइट का नाम था द डेथ क्लॉक एंड इसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि हम मरेंगे कब. तो ये वेबसाइट का मतलब ऐसा है कि ये तुम्हारी डेथ को प्रोजेक्ट कर सकती है कि आखिर तुम कब मरोगे. काफी वियर्ड सी चीज है ये. तो इसमें तुम्हें अपनी डिटेल डालनी पड़ती है सारी की सारी. और इसको मरने की इतनी ज्यादा, अरे बुद्धा कुछ नहीं, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ. ओके विद द डेट ऑफ बर्थ हम तेरी से स्टार्ट करते हैं. तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम तेरी डेथ को प्रोजेक्ट करते हैं ब्लश. ओके डेट ऑफ बर्थ कितनी है, नहीं असली बता, असली डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 12 11 11. वो एक्चुअली ये ईयर है, मंथ है ये, विच मंथ? 11 मंथ एंड 12 तारीख एंड ईयर 2002. ओके 2002. सेक्स क्या है तेरा, मेल की फीमेल? डायरेक्ट मेल. डू यू स्मोक? नहीं. यस, अच्छा नहीं, ठीक है. बीएमआई क्या होता है? नहीं पता. बीएमआई मेरे को पता है क्या होता है. वो हेल्थ के उसमें काउंट होता है, लेकिन ना वो बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है. ओके आउटलुक न्यूट्रल. तू अभी कैसा है, तो सुसाइडल है, न्यूट्रल है, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक? मैं न्यूट्रल हूँ. यू आर न्यूट्रल ना. ओके अल्कोहलिक कंजम्पशन? नहीं बहुत ज्यादा. नेवर. यू डिड ना. कंट्री कौन सी है तेरी? इंडिया. यू फ्रॉम इंडिया? यस. ओके बीएमआई कैलकुलेटर यहां से हो सकता है. कितने किलो का है तू? 45. अबे 45 50 55 55 ना. पाउंड्स कितना हुआ पता नहीं. हाइट कितना है? 173 170 सेंटीमीटर्स. एंड इंच? गलत इंच में कितना है पता नहीं. कैलकुलेट. बीएमआई इज 19. ओके तो अंडर 25 हो गया. लेट्स सी, सबमिट करते हैं. यू विल लिव टू 72 years 5 months and 14 seconds. कहाँ लिखा? ओ ये ना. ओके तू 72 years तक जिएगा एंड 5 months and 14 days. इट मींस ये तेरा काउंटडाउन है तेरी डेथ का, कि तू 18,977 दिन 12 घंटे 4 मिनट एंड 35 सेकेंड, जो कि कम हो रही है, कम होती चली जा रही है. 30 सेकेंड तेरी लाइफ से और सेकेंड्स कम हो रही है. हाउ डू यू फील? ज्यादा ही है. वैसे यार 18,000 दिन बहुत होते हैं. मैंने 72 इयर्स तक तेरा डेट. ओके तेरा मौत का दिन यहाँ पे बता रहे हैं, फ्राइडे 26th अप्रैल 2075. व्हाट इफ ये चीज रियल हो गई तो, एंड देन लोग यहाँ पे इस वीडियो पे आके चेक करे. उस दिन तो क्लिप्स बनेंगे भाई.
है ना, हम लोग ने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया। लाइक ये वेबसाइट मजाक भी हो सकती है, बट इट लुक्स रियली रियली इंटरेस्टिंग, है ना। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, एंड क्या ये जो डेट दी गई है ये रियल हो सकती है कि नहीं, ये तो अभी 3 सालों के बाद पता चलेगा मेरे को। तो या इसके साथ ये सारे के सारे डेयर्स मैंने कंप्लीट कर दिए, बट बॉयज देयर इज वन मोर थिंग। एक्चुअली एआई ने मेरे को टोटल ऑफ 10 चीजें बोली थी ना करने के लिए, एंड इस वीडियो में मैंने 4 चीजें करी हैं। तो या इफ यू वांट कि मैं और भी चीजें ट्राई करूं एंड इसका एक और एपिसोड बनाऊं जिसमें मैं बाकी की 6 चीजें ट्राई करूं, तो गेट दिस वीडियो टू 100K लाइक्स एंड आई विल डू इट। बाकी अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैं एक्चुअली मैं गूगल मैप की क्रीपी चीजें जो फाउंड होती है उनको रियल लाइफ में देखने गया था, तो तुम्हें देखनी चाहिए। बाकी देयर इज वन मोर शॉर्ट आउट टू आलोक। तो ये वीडियो का आइडिया मेरे को आलोक से आया था, बट मैंने इसको अपने वे में बनाने की कोशिश करी, तो चेक आउट हिज चैनल ऑल्सो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए। Bye-bye.